नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस टेस्ट में। 17वां टेस्ट है, 16 टेस्ट पहले हम कर चुके हैं। मॉक टेस्ट 17 यूपीपीसीएस और आरओआरओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और इसका उत्तर आपको देना है, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करना है। फटाफट इसको शेयर कर दीजिए लोगों तक। मैं रुका हुआ हूँ 10 सेकेंड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक जहाँ पर भी आप हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इसको शेयर करना चाहिए आपको, है ना। बाकी इसमें आपका कुछ लगता नहीं है, इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है कि आप कितने पानी में हैं। पहला प्रश्न है और इसका उत्तर दीजिए। 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है, बताइए। गरीब सवर्णों को आरक्षण, बेरोजगारों को रोजगार, लिंग अनुपात को सुधारना और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। तो इसका संबंध है संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर जब ये प्रस्तुत हुआ था। ये बार बार ऐसे कंफ्यूज करेगा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गरीबों के लिए जो आरक्षण ये है, इसकी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी और ये 103वां अधिनियम बना है। संविधान संशोधन अधिनियम अगर देखा जाए तो 103वां बना है, बाकी 124वां ये था, प्रस्तुत किया गया था। और 10% का आरक्षण इसमें दिया गया है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा में। उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे लखनऊ है, लेकिन आर्थिक राजधानी के तौर पर माना जाता है कानपुर को। तो औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ पर है, नोएडा भी इसमें दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर में। कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, कानपुर में। अगला जो प्रश्न है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, किसकी उपस्थिति में होता है। 1 2 1 3, 1 2 1 2 3, किसकी उपस्थिति में होता है, ये उत्तर आपको देना है, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लिपिड्स का जो पाचन होता है वो पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पेप्सिन सही नहीं है, लिपिड्स के पाचन में पेप्सिन का योगदान नहीं है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन जो होता है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बाकी हमारे भोजन सामग्री में लिपिड्स सरल वसा अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में रहते हैं, और लिपिड्स का जो पाचन होता है ये लाइपेज नामक एंजाइम की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से देखें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये बताना है आपको, जीवन चक्र पौधे का जो होता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सॉरी पुष्प है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर पुष्प ही नहीं होगा तो पौधे का कैसे प्रजनन ही नहीं होगा, तो कोई जन्म कैसे होगा, यानी कि पौधा कैसे बनेगा। तो पुष्प में पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर होते हैं, वही मिलके जैसे मेल फीमेल में प्रजनन होता है, ऐसे ही पुष्पों वनस्पतियों में भी होता है। तो पुष्प में पुंकेसर होते हैं और स्त्री केसर भी होते हैं, उन्हीं वही प्रजनन में हिस्सा लेते हैं, जन्म होता है पौधों का, तभी आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, किस में होता है। पाचन जो होता है, जो भी हम आप खाते हैं उसका जो पाचन होता है, तो डाइजेशन कहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब होता है, अधिकांश भाग कहाँ पर, पैंक्रियाज में या लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में। और इसका सबसे ज्यादा पाचन वाला जो ये सही है, ये छोटी आंत में होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर होता है, बड़ी आंत वैसे लंबाई में बड़ी हो सकती है ना, मतलब इसको बड़ी आंत वैसे मतलब लंबाई में कौन सी आंत बड़ी होती है, मैं उल्टा बोल गया, लंबाई में कौन सी बड़ी होती है जी, ये जरा कमेंट करके आप बताइए, है ना। मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे, लंबाई में कौन सी बड़ी आंत होती है, मतलब बड़ी होती है कौन सी आंत, छोटी या बड़ी वाली। जो छोटी आंत होती है इसका योगदान होता है पाचन में सबसे ज्यादा, ठीक है। और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। वैसे पाचन क्रिया तो जैसे आप मुंह में रखते हैं, जैसे आपने इंटर किया बस वहां से चालू हो जाता है। जैसे आपको कभी चावल और अचार साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार सबसे लास्ट में जाके पचता है और चावल मुंह से ही पचना चालू कर देता है, मुंह कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पहले खाया, अचार कि पहले चावल, अचार चावल, अचार चावल, इसीलिए पेट खराब होता है। जहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा ब्लंडर हो जाएगा, तो पेट इसीलिए खराब होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, निम्नलिखित में से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, मरीचिका बनती है किसके कारण बनती है, बताइए मरीचिका किसके कारण बनती है।
बताइए, उत्तर दीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन, इनमें से किसके कारण बनती है? तो स्थलीय तापन तो होता ही है, पहला तो इसमें बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया आपका, बी तो होगा नहीं। इतना तो समझ में आता है ना कैसे निकालते हैं, तो पहला तो होगा ही, तो बी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब एक तीन होगा या एक दो होगा, यही तो तय करना है। तो यहाँ पर अपवर्तन परावर्तन में से तो एक और तीन हो जाएगा। आंसर कैसे निकालते हैं ये सीखिए, आंसर निकालना सीखिए। पहला पक्का था तो पहला दो में नहीं दिया था, वो गायब हो गया, फिर दो बचा एक, अब एक तो कॉमन हो गया, अब दो होगा या तीन होगा यही करना था। तो अपवर्तन के कारण, जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण से, ठीक है। तो मृग मरीचिका जिसको मिराज बोलते हैं, ये वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है। आप देखते हैं रोड पे जा रहे हो तो लगता है पानी भरा हुआ है, वही वाला है। तो इसी के कारण ये तापन होता है और अपवर्तन होता है, इस कारण से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? उत्तर दीजिए, कौन सा अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अलावा जो मतलब भारत में मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, वो कौन कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, 21 है, 21 का क्या है, फिर 22 छोड़ दीजिए, 23, 24 है, फिर 25, 26, 27 और 28 है, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता जो 14 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये 20 में है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है, शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है जो 21 का में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 व 24, धर्म की स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जो कि 19(1) में है, 19 इसमें कहाँ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के प्रति, उत्तर दीजिए। मंत्रिपरिषद जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट आप कहिए, तो कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। इसमें देखना क्या है, तो बहुत सरल प्रश्न है, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ? कांग्रेस ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं ना पढ़ूं प्रश्न तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब क्वेश्चन पढ़ूंगा और विकल्प आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 1911 ईस्वी तक मुस्लिम लीग का नेतृत्व तो राष्ट्रवादी वर्ग के हाथ में जाने से मुस्लिम लीग कांग्रेस के समीप आ गई थी, और महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद आदि नेताओं के प्रयास से 1916 में फिर कांग्रेस, कल जो लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समान मांगों पर सहमति हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, बताइए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, उत्तर दीजिए। सही से सोच विचार कर उत्तर दीजिएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा। कोरोना से बिल्कुल बचे रहिए, घर पर बैठ के तैयारी करिए, टेस्ट सीरीज अगर आप करते हैं तो उससे लाभ आपको मिलता है, प्रैक्टिस होगी। आज एक वीडियो आएगा रात में 9:30 बजे कि प्रीलिम्स परीक्षा कैसे पास करें, उसको जरूर देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए क्या है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं है, ठीक है, पहली अध्यक्ष नहीं, प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहली अध्यक्ष कौन थी, यानी अध्यक्षा कौन बनी थी? तो पहली अध्यक्षा अगर देखा जाए तो वो एनी बेसेंट थी, 1917 में ही बन गई थी। सरोजिनी नायडू 1925 में बनी है, कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, और 1917 में ये एनी बेसेंट बनी थी। तो अगर भारतीय पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये सरोजिनी नायडू है, वैसे पहली एनी बेसेंट। नस्ता लीक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, मुगल शासकों द्वारा उद्गृहित एक उपकर, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता, नस्ता लीक क्या थी? और इसका एक उत्तर है, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जिनका भी उत्तर ए है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे, किसने भेजा था? विकल्प आपके सामने है,
बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पेशवा, ये राजा साहू शिवाजी के जो पौत्र थे, राजा साहू शिवाजी के जो पौत्र थे, उन्होंने ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, तो उसमें नजर भेजा था, भेंट भेजा था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसके किसके बीच? विकल्प आपके सामने है, उत्तर दीजिए। रियो ग्रांडे नदी, मैप याद करिए नॉर्थ अमेरिका का, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ए बी सी डी उत्तर। रात 9:30 बजे जो आज एपिसोड आएगा उसमें, ये पहला एपिसोड है प्रीलिम्स कैसे प्राप्त पास करें, तो उसको आप देख लीजिएगा, छोटा सा है 16-17 मिनट का। फिर अगला एक दो एपिसोड और आएगा उसको देखिएगा। गोपुरम जो होता है, गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहु मंजिला भवन होते हैं जिनको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, जो तोरण के ऊपर जो बहुमंजिला भवन ऐसे स्टेप बाय स्टेप बने होते हैं उन्हीं को ये कहा जाता है, जैसे ऐसे ऐसे ये बने होते हैं ना उन्हीं को ये कहा जाता है क्या, तोरण। तो ये ध्यान रखिएगा, तोरण गोपुरम, सॉरी गोरम गोपुरम, तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन ये होते हैं। तीन सहेलियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम उनका होता है उसको जरा टाइप कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोची, तुतिकोरिन, विशाखापत्तनम, कौन से हैं प्राकृतिक बंदरगाह? ट्रिक से भी इसका उत्तर निकल सकता है। कोची प्राकृतिक बंदरगाह बिल्कुल क्लियर है, तो यह बी ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, बी वाला तो नहीं होगा। और बताइए, कोची तो बिल्कुल पक्का है ना, कोची पक्का है, विशाखापत्तनम है कि नहीं ये अगर जान जाए आप तो। अब चेन्नई और तुतीकोरिन बचा, इसको डिसाइड कर लीजिए। तो 2 और 4, यहाँ पे देखिए 2 और 4 ये हैं, यही कोच्चि और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो कोच्चि और विशाखापट्टनम सोचिए, जैसे आप, मैंने कहा कि कोच्चि बिल्कुल क्लियर है, अब आपको क्या निकालना है ये सोचना है, तो कोच्चि बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन निकाल दिया कि ये वाला तो होगा ही नहीं, एक तीन वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें दो है नहीं बाकी, लेकिन ये टप बनाया गया, बाकी तीन में दो 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 दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, तो ये विशाखापट्टनम और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई और तुतीकोरिन ये कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में जनसंख्या के अनुसार प्रथम और क्षेत्रफल में चतुर्थ राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये प्रथम है लेकिन क्षेत्रफल में चौथा है। उत्तर दीजिए, बहुत सरल प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के लिहाज से प्रथम है, क्षेत्रफल के लिहाज से ये चौथा है। देख लीजिए क्षेत्रफल में देखा जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये क्रम है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्रम आता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न, किसमें फूल नहीं होते हैं? सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, अगर आप बचपन में सुनी कहावतों पर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। और इसका सही उत्तर है फर्न, फर्न जो होता है फर्न में फूल नहीं होते हैं, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो फर्न है फर्न में फूल नहीं होते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी गूलर में फूल होते हैं, फर्न दिखते नहीं है, उसमें जो उसका फल होता है उसके अंदर मतलब फूल होते हैं। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये पौधा जो होता है बीज रहित होता है, और जो बीज रहित है तो इसमें फूल भी नहीं लगते हैं। वर्ष 2000 के लिए, सॉरी वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, सैयद असफुल इस्लाम, श्रीमती तराना हलीम, किसको किया गया? और इसका सही उत्तर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधी शांति पुरस्कार ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जिसे किसके नाम पे शुरू किया गया, ये इंदिरा गांधी के नाम पे शुरू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये महात्मा गांधी के नाम पर शुरू है, और ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधीवादी विचारधारा जो है उसको जो लोग लेके चलते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उसको श्रद्धांजलि दी जाती है गांधीवादी विचार को, और ये पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर, संस्कृति मंत्रालय इसको देता है,
और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। और 19 के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है। रक्षा के संबंध में व्रज क्या है, व्रज जो वज्र, ब्रज नहीं वज्र, वज्र क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, वज्र क्या है? तो वज्र जो है ये एक अपतटीय गस्तीपोत है। क्या है? अपतटीय गस्तीपोत, वज्र जो है अपतटीय गस्तीपोत है, इंपॉर्टेंट है। और इसे औपचारिक रूप से सेवा में कमीशन किया गया है। करंट अफेयर के प्रश्न हम देख रहे हैं, ट्रेडिशनल हमारे समाप्त हो गए हैं। सात अपतटीय गस्ती जहाजों में से ये छठा है, सात लाने थे और इनमें से ये छठा है, और अत्याधुनिक नेविगेशन संचार प्रणाली से ये सुसज्जित है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, अगर कोई किसी भी तरीके की आ रही है तैयारी करने में, या आपको कई बार कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें होती हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कई बार लोग फालतू क्वेश्चन करने लगते हैं, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। 6307281212 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कोर्स के बारे में भी आप जानकारी तो ले ही सकते हैं, आर ओ PCS की टेस्ट सीरीज, फुल कोर्स सब चल रहे हैं। साथ में आपको अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार तो लोग बेवकूफ़ी और बदतमीजी भी दिखाते हैं, ठीक है। इवर गिवेन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? इवर गिवेन क्या है? इवर ग्रीन क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इवर ग्रीन एक कार्गो शिप है, पर्यावरण संगठन या ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्गो शिप है। क्या है? कार्गो शिप, इवर ग्रीन। MB इवर गिवेन, ये कार्गो शिप MB इवर गिवेन है या इवर ग्रीन है? एक्चुअली मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इवर गिवेन ही तो है, ग्रीन नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, गिवेन गिवेन है, MB इवर गिवेन। ये स्वेज नहर में अभी फंस गया था, वही वाला ये कार्गो शिप है, अटक गया था वहां पे, है ना। और MV इवर गिवन एशिया और यूरोप के बीच में माल ले जा रहा था और स्वेज नहर में संकीर्णता के कारण यह फंस गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, वर्तमान में भारत में 38 विश्व विरासत संपत्तियां हैं, पहला स्टेटमेंट, और विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसके द्वारा, मतलब उसके द्वारा प्रशासित कमेटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जो है उसके द्वारा तैयार की जाती है, बताइए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं। वर्तमान में भारत में 38 विश्व विरासत संपत्तियां हैं, इसके अलावा भारत में 42 स्थलों को संभावित सूची में भी रखा गया है। दोनों चीजें तैयार रखिएगा, 38 विश्व विरासत संपत्तियां हैं और 48 को संभावित सूची में भी रखा गया है, ठीक है। और विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है ये यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा प्रशासित की जाती है, ये भी सही है। और इस समिति में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य होते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फोकागो परम सिद्धि तिन्हाने टू समित, कौन सा है विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है फोकागो। फोकागो जो है ये डेवलपमेंट फेज में था और उसके बाद में अब ये पूरा बन गया है। और फुकागु सुपर कंप्यूटर जापान का ही एक के सुपर कंप्यूटर है, उसकी तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फिलहाल यही है, अब आगे कोई देश नया लाएगा तो होगा। माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्करण है? किस भारतीय का संस्मरण है बताइए, किसका संस्मरण है? मेमोर, या इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये इंदिरा नुई का है, किसका है? इंदिरा नुई का, पेप्सिको की प्रमुख इंदिरा नुई का, है ना। और 65 साल की ये हैं, बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार होने तक की पूरी गाथा इन्होंने लिखी है। प्रत्येक महिला और पुरुष को इसको पढ़ना चाहिए। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020-21 या 2021 आप कहिए, तो 2021 की जो सूची आई है उसमें भारत का स्थान क्या है? यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसमें भारत का स्थान है 139, भारत का स्थान है 139, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 19 मार्च को प्रकाशित हुई है, 2021 की रिपोर्ट है, 149 देशों में 139वां स्थान है। फिनलैंड सबसे ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान भी पूछा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो डेजर्ट फ्लैग जो हुआ ये कहां पर हुआ, और ये हुआ यूएई में, यूएई में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, ठीक है। भारत, फ्रांस, अमेरिका सहित 10 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और भारतीय वायुसेना का जो SU-30 MKI है, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान इसमें
पार्टिसिपेट किए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए।